हेलो गाइस, पहले भी हमने ईएमए क्रॉसओवर के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, बट वो बेसिक कोडिंग था और वो जो बेसिक कोडिंग किया गया था उसको कैसे प्रोफेशनल लेवल में कोडिंग किया जा सकता है। बेसिक कोडिंग आप लोग ऑलमोस्ट सीख लिया रहेगा। आपने पहले का ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी नहीं देखा है तो आप हमारा चैनल के थ्रू देख सकते हैं, और बाकी बहुत सारा वीडियोस भी हमने अपलोड किया है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आज हमने प्रोफेशनल लेवल में कैसे ईएमए को कोडिंग कर सकते हैं, ईएमए क्रॉसओवर को कोडिंग कर सकते हैं, ये वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मैं इस तरह का वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट नहीं करना है, हमको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। क्रिएट स्ट्रैटेजी में आपको जाना है, ये क्रिएट को क्लिक करेंगे तो स्ट्रैटेजी में जाके ये क्रिएट को क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपको ओपन हो जाएगा। स्ट्रैटेजी का नाम हम लिख देते हैं ईएमए क्रॉसओवर। प्रोफेशनल लेवल में ओके, प्रोफेशनल कोडिंग तो पीआरओ फिल दिया हमने। तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये सेट वन है, हमको दो सेट चाहिए मिनिमम। पहले एक सेट बना दे हम लोग। आर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा वाला विंडो ओपन होता है। तो हमको बहुत सारा कंडीशंस चाहिए। पहला कोडिंग जो स्टार्ट करेंगे हम, टाइम का कीवर्ड यूज करेंगे पहले। टाइम रहेगा एनएससी ओके इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नंबर का कीवर्ड यूज करेंगे, नंबर नाइन सिक्सटीन ओके। देन अगेन हमको टाइम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, स्मॉलर देन लिखना पड़ेगा हमको नंबर ओके। उसके बाद यूज करना है नेट क्वांटिटी। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट को क्लिक करेंगे, निफ्टी 50 सेट नंबर वन, कंडीशन वन, लेग नंबर वन, इक्वल टू का कीवर्ड यूज करेंगे और नंबर का कीवर्ड यूज करेंगे। कॉपी करके हमने इधर पेस्ट कर दिया, ये जीरो लिखेंगे। अगेन इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, ये भी कॉपी करेंगे और पेस्ट भी कर लेंगे। बट नेट क्वांटिटी इसमें सेम रहेगा, बट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में क्लिक करेंगे, सेट नंबर टू कर देंगे इधर ओके। देन पोजीशन का कीवर्ड लगाएंगे, माइनस टू सीरीज में लिखेंगे ये में ओके करेंगे। ये में पीरियड कितना चाहिए, हमने 10/30 में पहले बनाया था, सेम हम यूज करेंगे। क्लोज सिंबल बराबर है, सिंबल में हमको 3 मिनट का यूज करेंगे कैंडल। इंस्ट्रूमेंट नेम बैंक सॉरी एनएफओ, इसको बैंक निफ्टी में हम बनाएंगे।
तो इमा ईएमए क्लोज हो गया बराबर, इंस्ट्रूमेंट नेम भी हो गया 3 मिनट, ओके ये बराबर हो गया। तो ये -2 का कैंडल हो गया, इसको स्मॉलर होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, सेम कॉपी करके ईमा का जो ईएमए का पीरियड्स है को क्या करेंगे, हमको 30 कर देंगे, 30 ईएमए पीरियड का पीरियड से 10 ईएमए स्लो होना, मतलब कम होना चाहिए। ओके देन अगेन और भी हम कीवर्ड यूज करेंगे, देखिए वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो आप जरूर देखिए कंटिन्यू, आप स्किप करेंगे तो फिर आप बोलेंगे मैं प्रोफेशनल लेवल में कोडिंग किया फिर भी यूज नहीं हो रहा है, कुछ यूजफुल नहीं है। ओके ये ग्रेटर होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी है कि वीडियो बना देता हूँ मैं ठीक है, तो बाद में कुछ कमेंट्स भी ऐसा आता है कि हमारा कोडिंग सही नहीं, मतलब हमारा एंट्री हो गया एग्जिट नहीं हो रहा है, या एंट्री ही नहीं हो रहा है, कि ऐसा कंडीशंस में आप वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है आपको, बराबर देखने का है, और आप कीवर्ड मिस करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, कीवर्ड मिस करेंगे तो आपका कोडिंग बराबर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, देन आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये पोजीशन का हम लोग -1 करना है, तो बहुत लोगों को पता रहेगा बट हमने प्रोफेशनल लेवल में बनाना है, तो इसमें और भी कुछ कोडिंग भी हम ऐड करेंगे। सबमिट करते हैं, इसमें और एक मैं बता दूं कोड, आप और एक चीज यूज कर सकते हैं, पोजीशन में कीवर्ड भी यूज करेंगे, इधर क्रॉसओवर का ये क्रॉस का कीवर्ड यूज करेंगे, तो चूज ई एम ए लिखेंगे देन ई एम ए, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके ईएमए में आपको पीरियड डाल सकते हैं आप, ये ऐसा भी ये जो कोडिंग भी यूज कर सकते हैं आप लोग, एक नया कीवर्ड आप लोग सीखा मेरे हिसाब से, तो ये बट मैं ये मोस्टली यूज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग यूज कर सकते हैं कुछ इशू नहीं है, बट ये परफेक्ट कोडिंग के लिए मैं ये मोस्टली यूज करता हूँ। ओके तो ऐड करते हैं पोजिशन, NFO कॉल अंडरलाइन निफ्टी बैंक, नॉर्मल ATM करेंट वीक, क्वांटिटी का लॉट्स रहेगा। ओके एक लोड करेंगे हम, बाय ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके स्ट्रैटेजी हमको क्रिएट करना पड़ेगा पहले, नहीं तो पेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। कभी भी आप कोडिंग कर रहे हैं तो आप जरूर आप लोग अपडेट कीजिए, नहीं तो कुछ एरर हो जाएगा, देन आप जो भी कोडिंग किया रहेगा वो सीधा पानी में चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको दोबारा कोडिंग करना पड़ेगा। एडिट करते हैं, ये टाइम का कीवर्ड सब हटा देते हैं हम, टाइम का कीवर्ड नहीं चाहिए हमको, और ये जगह में क्या है, ये उल्टा होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ओके इसमें और एक कीवर्ड यूज करते हैं, सॉरी LTP NFO
निफ्टी, ओके, देन स्मॉलर देन, पोजीशन का कीवर्ड यूज करेंगे, तो पोजीशन में इधर लो यूज करेंगे, लो, लो का कीवर्ड यूज किया हमने, इंस्ट्रूमेंट नेम NFO, बैंक निफ्टी बैंक, सिंबल यूज करेंगे, सिंबल में क्या क्लिक करेंगे, 3 मिनट का हमने कैंडल यूज किया है, ओके करेंगे, ओके। तो आपको ये कंडीशन आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ये में -2 कैंडल आपको ग्रेटर होना चाहिए ए में 30 से बड़ा होना चाहिए -2 कैंडल में, और -1 कैंडल में स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, और LTP -1 कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए, तो तभी ये एग्जिट हो जाएगा। और हाई ब्रेक हमने इधर एक्चुअली और एक कीवर्ड में बोला था यूज़ करने के लिए, और एक कीवर्ड भी यूज़ करेंगे, LTP लिखते हैं, LTP इंस्ट्रूमेंट नेम, ओके, देन ग्रेटर देन, पोजीशन का कीवर्ड यूज करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, पोजीशन हाई, सिंबल 3 मिनट का कैंडल चाहिए हमको, इंस्ट्रूमेंट नेम NFO निफ्टी बैंक, ओके। हमने इसमें और एक कीवर्ड भी यूज करेंगे, बट ये वीडियो को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, ओके। तो आप लोग जरूर दूसरा पार्ट भी वीडियो देख लीजिएगा, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।